हमेशा कहूंगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर ना कोई था ना सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई है। माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय उप मुख्यमंत्री से, कि राज्य के आप मुखिया है और उस राज्य के मुखिया है जिस राज्य के राजा ने कहा था कि सारी प्रजा हमारी संतान है, अशोका दिग्रह, तो सारी प्रजा में ये बच्चे और बच्चे भी आपके संतान है, तो ऐसी परिस्थिति में आप कोई उपाय कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मानना पड़ेगा, आज मानिए या कल मानिए। ए मैडम, हम ये कहा कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला से अलग हटके सरकार निर्णय लेगी। सीएम जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास रिक्वेस्ट करे, विनती करे, पुनर्विचार के लिए काम करे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में अब से कुछ ही दिनों में शिक्षक बहाली परीक्षा होने जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि उससे पहले कई तरह के सस्पेंस और कई तरह के सवाल हैं जो अब भी कायम है, जो अब भी बने हुए हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ा सस्पेंस जो है वो बीएड शिक्षकों को लेकर है। आपको बता दें कि सवाल तो ये भी उठ रहा है कि क्या शिक्षक बहाली परीक्षा स्थगित तो नहीं हो जाएगी। तो आज हम इन्हीं तमाम मौजूदों पर चर्चा करेंगे और इस मौजूद पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गुरु रहमान जी मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, गुरु रहमान जी को कल हमने देखा काफी बमके हुए थे, इतना बमके हुए थे कि साफ कह दिया है कि क्या बीपीएससी चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। सही बात है, बीपीएससी चेयरमैन का कोई भी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं। मेरे गुस्सा होने का कारण बीपीएससी नहीं है, मेरे गुस्सा होने का कारण 5 साल से बिलख रहे हुए बच्ची और बच्चे हैं जो बेचारे किसी तरह से सूद पर पैसा लेकर, माँ का गहना गिरवी रखकर, जमीन गिरवी रखकर वो पहुंच रहे हैं। उनके रुआई को देखकर, उनकी तड़प को देखकर, कोई 6-6 महीना का बच्चा छोड़ गया, ये सब महिलाएं। तो मेरे रौद्र रूप का कारण वही था और मैं अभी भी कह रहा हूं और हमेशा कहूंगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर ना कोई था ना सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई है। इसलिए इस तरह की जो बातें हो रही है, ए भैया, जब 18 से मामला चल रहा था, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 साल हो गया, तो 6 साल में जिस तरह से आपको केंद्रीय विद्यालय ने वैकेंसी निकाला था और केंद्रीय विद्यालय ने स्पष्ट लिख दिया था कि बीएड के लड़के फॉर्म भरे, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई निगेटिव फैसला उनके पक्ष में आता है तो वह ऐसी परिस्थिति में उनकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। उसी तरह की बात यहां भी करनी चाहिए थी। वो नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बच्चे मैं पढ़ा रहा था, हजारों शिक्षकों को मैंने पढ़ाया। मैं ये नहीं जानना था कौन डीएलएड है कौन बीएड है, मैं जानना था कि मेरी बेटियां और बेटे हैं। लेकिन आप 5 साल से लटकाए, अचानक टाइप का इस तरह का फैसला आ गया। तो अभी मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय उप मुख्यमंत्री से, कि राज्य के आप मुखिया है और उस राज्य के मुखिया है जिस राज्य के राजा ने कहा था कि सारी प्रजा हमारी संतान है, अशोका दिग्रह, तो सारी प्रजा में ये बच्चे और बच्चे भी आपके संतान है, तो ऐसी परिस्थिति में आप कोई उपाय कीजिए कि आप सुप्रीम कोर्ट से विनती कीजिए कि, चूंकि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है इसलिए फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है। अगर वो ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं करती है तो वैसी परिस्थिति में आप परीक्षा को थोड़े दिन के लिए स्थगित करके, परीक्षा स्थगित कर दीजिए, थोड़े दिन के लिए स्थगित कीजिए, स्थगित कीजिए, और 6 to 8 जिसमें कोई पद ही नहीं है उसमें पर्याप्त संख्या में बहाली दीजिए ताकि बीएड वालों के साथ भी इंसाफ हो सके, डीएड वाले के साथ भी इंसाफ हो और बीएड वाले के साथ भी इंसाफ हो। मैं डीएलएड वाला और बीएड वाला दोनों के का समर्थन विरोध नहीं कर रहा हूं, दोनों मेरे कलेजा के टुकड़ा है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये लोग, ये बच्चे जो है, परीक्षा हो गया, लटक गया 3 साल, तो फिर क्या करेंगे बेचारे। तो इसीलिए हर समस्या का निराकरण हो जाए और समस्या के निराकरण के पश्चात उनको उसके बाद इन लोगों जो भी। अच्छा देखिए, हम गुरु रहमान से बात कर रहे हैं, गुरु रहमान बच्चों के चहीते गुरु हैं। तो देखिए, जब जाहिर सी बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा फैसला आया होगा तो बच्चे आपके पास आए होंगे, रो रहे होंगे, बिलख रहे होंगे, साफ कह रहे होंगे कि अब तो क्या होगा आगे, कुछ ऐसे बच्चे भी आए होंगे। आपको मैं बात बता दूं मैडम कि सुबह से मैंने सिर्फ चाय पिया है। अच्छा।
अब अगर नास्तरी के लोगों को समझा रहे हैं, रोने वाले को चुप करा रहे हैं, बोले कि छो छो महीना का बच्चा वाली हमारी बेटी आई है यहाँ, उसके हस्बैंड आ रहे हैं, लोग दूर दूर से आ रहा है, किसी के कोई बंगलोर में रहता था अपने हस्बैंड के साथ परीक्षा दे, क्या लगेगा? इंसाफ होगा बीएड वालों के साथ? क्या लगता है आपको? डेमोक्रेसी है, माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील व्यक्ति है, माननीय उप मुख्यमंत्री संवेदनशील व्यक्ति है, इसलिए इंसाफ की संभावना मुझे लगती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है, इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवलोकन करते हुए मुझे चाहिए कि तत्काल जितना जल्दी हो सके फैसला कर दे कि 1-5 वाले ही देंगे तो भी अति उत्तम है, और लेकिन बीएड वालों के लिए 6-8 में आपको पर्याप्त संख्या में वैकेंसी निकालनी होगी वैकेंसी। अच्छा देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि बीएड वाले जो बच्चे हैं, जो शिक्षक हैं, वो काफी परेशान चल रहे हैं। आज सुनने में ये भी आया था कि एनसीटीई और शिक्षा विभाग की बैठक भी होगी, कुछ फैसला आ सकता है, क्या लगता है क्या फैसला आएगा? देखिए, एनसीटी का फैसला और शिक्षा का जो फैसला आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर वो लोग भी नहीं है, तो फैसला वही होगा। बीच का रास्ता तो निकाला जाएगा, क्या लगता है? हम बीच का रास्ता निकल जाए तो और भाग्य। अच्छा, और ना निकले तो फिर? और ना निकले तो बीएड वाले को कह दिया जाए कि रे बाबू, 6-8 में हम इतना संख्या में बहाली दे रहे हैं, तुम लोग उससे किनारे हटो। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है, मामला सब क्लियर हो जाएगा। ये भी नहीं कहा गया गुरु रहमान जी, तो फिर आगे क्या होगा, क्या लगता है? क्योंकि बच्चे तो आपको गुरु मानते हैं, हर एक मौजू पर चर्चा करते हैं, हर एक बात बताते हैं और सलाह मशवरा भी करते हैं। अगर कुछ भी साफ नहीं किया गया और परीक्षा भी ले ली गई तो उसके बाद क्या? अगर परीक्षा ले ली गई बिना कुछ साफ किए हुए, तो आप समझिए कि इसमें निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई ना कोई उपाय ऐसा किया होगा या करेंगे जिससे सबको इंसाफ मिल जाए। आपको लग रहा है? मुझे लग रहा पूरा है, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि आप ही ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर तो कोई नहीं है? ये तो हक बात है, लेकिन अगर परीक्षा ले ली जाए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मानना पड़ेगा, आज मानिए या कल मानिए। मैडम, हम ये कहा कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अलग हटके सरकार निर्णय लेगी। सर, सीएम जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास रिक्वेस्ट करे, विनती करे, पुनर्विचार के लिए काम करे, अगर ऐसा वो सोच रहे हैं तब परीक्षा ले रहे हैं, अति उत्तम, कोई दिक्कत नहीं। क्या देरी की वजह क्या है? अभी तक स्पष्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? आपको मालूम है कि कब का आया आदेश, उसके बाद भी हम देख रहे हैं परीक्षा में समय भी काफी कम है, इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री सोच रहे हैं, तो दिल्ली चले गए हैं। दिल्ली तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुण्यतिथि था, उसके बाद केजरीवाल से भी मुलाकात की, वही रुके, सबसे मिलेंगे, कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री तो इतना, और यहाँ पर बीएड वाले परेशान हो रहे हैं, देर क्यों हो रही है? परेशान लेट लतीफ क्यों हो रही है? एक बात स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, सच मैं बोलता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता हूँ। बीएड वाले परेशान होके क्या कर लेंगे? अच्छा, क्या कर लेंगे परेशान होके? अगर ना पढ़ाई कर रहे हैं, ना तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई करें क्योंकि अगर 1-5 से इनको वंचित किया जाता है, तो 6-8 में इनको कहीं ना कहीं सरकार को वैकेंसी देना होगा है। और अगर नहीं दिया तो फिर कभी ना कभी भटक रहे बच्चे बेचारे, अभी कहाँ वैकेंसी है बिहार में? कहीं वैकेंसी नहीं है, लेकिन इसमें आपको देगा, अगर नहीं दिया तो उस बात पर मैं चर्चा इसलिए नहीं करूंगा कि अगर यही दे दिया तो। अच्छा, मतलब इतना पूरा ओवर कॉन्फिडेंस है कैमरे के सामने, पूरे कॉन्फिडेंस में गुरु रहमान कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि विकल्प ऐसा भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि बच्चे को अभी पढ़ना चाहिए। और एक रिक्वेस्ट मैं जरूर करूंगा बच्चों से कि जिस तरह यूपी और राजस्थान में कहीं भी हंगामा हो रहा है, उस तरह का हंगामा मत करेंगे, क्योंकि यह आदेश सरकार का नहीं है, यह आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध अगर हंगामा करते हैं तो आप शिक्षक क्या किसी चीज के लिए लायक नहीं है। इसलिए शांत रहिए, वेट एंड वॉच की स्थिति में रहिए, सरकार आपके साथ खड़ा रहेगी। और मैं तो गुरु रहमान अहिंसात्मक रूप से आपके साथ था, हूं, और मरते दम तक आपके साथ रहूंगा। मतलब जब भी जरूरत होगी बीएड वालों को, तो साथ में गुरु रहमान को भी पाएंगे खड़े। बीएड वाले, डीएलएड वाले, कोई वाले, जब भी खोजेंगे तब भी मैं मिलूंगा, तब भी मिलेंगे। देखिए, आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं गुरु रहमान। देखिए, साफ साफ बच्चों को, बीएड वालों को नसीहत भी यहाँ पर दे दिए कि हंगामा करके कुछ नहीं होने वाला है, थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है इस मसले पर। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज।